भुट्टे की तफ्तीश के बाद पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तानी गुलकार राहत फतेह अली खान, जिन्हें आज शाम एयरपोर्ट पर रोका गया था, उनसे पूछताछ जारी थी। भारतीय हुकाम की जानिब से दावा किया गया कि उनके पास से $1,24,000 बरामद हुए हैं, जिनके बारे में उन्होंने हुकाम को आगाह नहीं किया था, और ये करंसी लेकर वो जाना चाह रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें वहां रोका गया। इससे पहले उनके मैनेजर श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया जा चुका है। राहत फतेह अली खान से एयरपोर्ट पर अब तक तफ्तीश जारी थी, अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कल उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट्स दे रहा है कि पाकिस्तानी गुलकार राहत फतेह अली खान, जिन्हें नई दिल्ली पर रोका गया था एयरपोर्ट पर, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां उन्हें आज शाम रोका गया, गुजश्ता 6.5 घंटे से उनसे पूछताछ की जा रही थी इस पूरे मामले पर, और आखिरकार अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और अब कल राहत फतेह अली खान को अदालत में पेश किया जाएगा। भारत में बहुत सी मौसीकी दे चुके हैं, बहुत से अहम गाने गा चुके हैं और अपने काम पर अवार्ड ले चुके हैं। फिल्म फेयर जो सबसे बड़ा अवार्ड है भारत का, उस समेत 3 अहम और अवार्ड भी मिले राहत फतेह अली खान को। बेस्ट सिंगर का अवार्ड ले चुके हैं। भारतीय शायकीन जो बॉलीवुड के शायकीन हैं, उनके दिलों पर राज करने वाले राहत फतेह अली खान दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद थे आज शाम से। 6.5 घंटे की पूछताछ के बाद आखिरकार अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। 40 से ज्यादा भारतीय फिल्मों का म्यूजिक देने वाले पाकिस्तानी गुलकार राहत फतेह अली खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। न सिर्फ 40 से ज्यादा फिल्मों का इन्होंने म्यूजिक दिया, बल्कि इसके साथ साथ 40 से ज्यादा एल्बम भी राहत फतेह अली खान के रिलीज हो चुके हैं। आज पाकिस्तानी गुलकार जब पाकिस्तान वापस आ रहे थे, इससे पहले इनको एयरपोर्ट पर रोका गया, दिल्ली एयरपोर्ट पर रोककर इनसे तफ्तीश की गई। इनके पास से $1,24,000 बरामद हुए। 6.5 घंटे या तकरीबन 6 घंटे की तफ्तीश के बाद अब फैसला ये किया है भारतीय हुकाम ने कि इनकी बाकायदा गिरफ्तारी अमल में आई है। कल राहत फतेह अली खान को अदालत में पेश कर दिया जाएगा। डायरेक्टर रेवेन्यू इंटेलिजेंस के दफ्तर ले गए। डीआरआई की टीम उनसे अब तक तफ्तीश कर रही थी, ये तमाम सूरत हाल पूछी जा रही थी। करेंसी से मुतालिक भारतीय कानून के मुताबिक उनका जो फॉरेन करेंसी एक्ट है, उसकी वायलेशन किया। राहत फतेह अली खान ने $5,000 से ज्यादा रकम लेकर वो नहीं जा सकते थे, लेकिन उनके पास से $1,00,000 बरामद हुए, जो कि ये कहना है कि उनके मैनेजर ने उन्हें दिए। 24,000 उनके जाती बैग से बरामद हुए, $24,000। इस तरह कुल तकरीबन $1,24,000 राहत फतेह अली खान के पास मौजूद थे। एक उनके साथ उनके पाकिस्तानी मैनेजर थे मारूफ अली खान, और दूसरे भारत मैनेजर थे श्रीवास्तव। इन तीनों अफराद को वहां रोका गया। भारतीय मैनेजर को कई घंटे कबल गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अब राहत फतेह अली खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गुज़िश्ता कई सालों से खासतौर पर देखा जाए तो बॉलीवुड जो इंडस्ट्री है, 2004 से बेतहाशा फिल्मों में म्यूजिक देने वाले राहत फतेह अली खान तकरीबन साल का बड़ा हिस्सा भारत में गुजारते हैं। भारतीय मौसीकी की वजह से अपना नाम रखते हैं। भारतीय शायकीन के दिलों पर राज करने वाले राहत फतेह अली खान आज शाम से मुश्किल में थे, और आखिरकार अब उन्हें वहां पर गिरफ्तार किया गया। यह कहा जा रहा है कि उन्होंने फॉरेन करेंसी एक्ट की भारत में वायलेशन की है। राहत फतेह अली खान को अब किस हद तक कानूनी मदद फराहम की जाती है? शाहिद मलिक जो पाकिस्तानी सफारतकार वहां पर मौजूद है, वो खुद इस मामले की निगरानी कर रहे थे। देखना होगा कि पाकिस्तानी हुकाम ने इस मामले पर अब तक क्या किया। इस खबर से मुताबिक आपको अपडेट रखेंगे। ये थी अब तक की जो ताजा तरीन।